कदीर बेटा, चारे की बोरियां आ गई हैं, मैं अंदर रखवा देता हूँ, जरा संभाल लेना। हाँ अरे सब ठीक से गिन के रख दो। हाँ हाँ सब रख दिया, बाद में गिनवा लेंगे, चलो अभी। My son Abhishek. Hi sir, nice to meet you. Hello team, is the convoy ready to move? Kavita Menon from Malayalam Manorama. Yes ma'am. Venkat Raman from Din Garuda. Kalyan Kumar from Express. Kalyan Kumar from Express. There are 3 lakhs Indians in UK, and they happen to be the third largest ethnic group here. Mr. Kalyan Kumar from Express. Hi, yes. थोड़ी जल्दी आ सकते थे ना? जल्दी आकर क्या होता? लेक्चर ही सुनना था ना? What? तो उसके लिए ऐसे लेट आकर? I'll wait there. आप शुरू कीजिए. See, यही कल की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है. Well, I hope all of you will be here tomorrow and support him by giving wide and detailed coverage for this conference. I guess we are done. And see you tomorrow. Bye. Okay, ma'am. अरे, hey, throw it up, man. Careful. Yeah. Our Invest India meet starts in few minutes. If you have any phones, mobiles, and wallets, please place them in the tray here. Next, please, sir. Please open your bag. Next, please. Mark, clear them from there. Sir, please arrange for the meeting. No, I have just came for holiday. Honorable Prime Minister of India, Mr. Chandrakant Verma is here. Thanks. आप सभी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि किसी रिश्तेदार की शादी पर आया हूं. हम थोड़ा कैजुअली बात करेंगे, ओके? यहां कितने लोगों ने लव मैरिज की है? हे, मिस्टर महादेव. सर, आपकी बायोग्राफी में कई लव स्टोरीज आती हैं। अभी शांत बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात हुई ना, आपकी शादी से पहले का वो म्यूचुअल मैग्नेटिक चार्म, रोज रोज एक दूसरे को देखने की तड़प, बार बार बातें करने की चाह, लेकिन शादी के बाद भी उसी लेवल पर है क्या? या फिर कम हुआ है? हिचकिचा क्यों रहे हैं? बेधड़क हाथ उठाइए. ओके, सबसे पहले मैं बेधड़क हाथ उठाता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी अब भी यहां पर नहीं है, इसलिए बेधड़क हाथ उठा सकता हूं. अरे क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं? मिसेस नारायण मूर्ति, उन्हें यहां तो कम से कम सच बोलने दीजिए. ओके, अब थोड़ा हम मां के बारे में बात करेंगे. अपने बेटे से कोई मां प्यार ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? उसी मां ने बचपन में हमें धमकियां देकर खाना खिलाया होगा, मारकर पढ़ाया भी होगा, अगर शैतानी की होगी तो डंडों से मारा भी होगा. उस वक्त हमने माँ को भला बुरा कहा होगा, फिर भी हमारी माँ का जो प्यार हमसे है, या फिर अपनी माँ से जो प्यार हम करते हैं, वो कभी कम हो सकता है क्या? नहीं। भले ही कितनी भी सुविधाओं के साथ आप यहां आकर सेटल हो गए हो, ये देश प्रेमिका की तरह है, लेकिन इंडिया हमारी माँ की तरह है.
इंडिया में घोटाले, रिश्वत, जातपात, आतंकवाद ऐसी और भी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, और इसीलिए हमारी सरकार देश की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से लगी हुई है। उसमें आपका भी हिस्सा होना चाहिए। यहाँ पर सेटल हो चुके इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया की तरक्की में काम आने चाहिए। माई गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू। टू इंस्पायर यू ऑल, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फ्यू जेंटलमैन हियर। इंडिया के सेंसेक्स का ऊपर होना या नीचे होना, यह आपके कंपनी के परफॉर्मेंस पर निर्धारित होता है। तो लीजिए, मैं पेश करता हूं मिस्टर विजय माथुर। विश्व के अमीरों में सातवें स्थान पर हैं। हर देश में इनकी जायदाद है, लेकिन फिर भी इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने। रबर वैक्यूम मिस्टर अरुण स्वामीनाथ, ये एग्रीकल्चर में सहायक। और अगर सच कहूं तो हमारे देश की इकोनॉमी हमारे देश के बिजनेसमैन पर डिपेंड करती है। मिस्टर राजन महादेव, ये क्या बिजनेस करते हैं बताने से अच्छा होगा कि इन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या नहीं किया। चाहे कोई भी सरकार केंद्र में हो, व्यापार के बारे में मुख्य फैसले लेने से पहले इनसे ही ओपिनियन पोल लेते हैं। सो ये बिना तनख्वाह लेने वाले एडवाइजर हैं। थैंक यू। घर के लिए मेहनत करने वाले को जिम्मेदार कहते हैं, लेकिन देश के लिए मेहनत करने वाले को गौरवशाली कहते हैं। सो बी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। जय हिंद। Thank you, Mr. Prime Minister, for giving us your precious time. Good speech, sir. Thank you. क्या भी training trip, हाँ? अपने वारिस को ready कर रहे हैं, daddy? हो ही नहीं सकता अंकल, वो तो मुझे अभी कार में बैठने भी नहीं देते। उनके स्पीच को लाइव देखना ये झूठ बोलकर मैं खुद यहाँ चिपक कर आ गया हूँ। सही वजह बता रहे हो या झूठ बोल रहे हो? अंकल, आपकी उम्र के हिसाब से ये सब आपको पूछना नहीं चाहिए, और ना ही मैं बताना चाहता हूँ। ओके ओके, नहीं पूछता और तुम भी मत बताओ। Sir. कदीरवन, सीनियर ऑफिसर मिलिट्री इंटेलिजेंस, वी आर बैचमेट्स। बैठिए। यस सर। कई असाइनमेंट्स के लिए पाकिस्तान में 5 साल अंडरकवर ऑफिसर रहे। चश्मा टाउन में न्यूक्लियर वेपन तैयार करने वाले एक प्लांट को दुनिया की नजरों से छुपा कर चला रहे थे, जिसे एविडेंस के साथ एक्सपोज करने के लिए वहाँ के सलून में 6 महीने काम किया। वहाँ आने वाले साइंटिस्ट के हेयर को कट करके सैंपल्स कलेक्ट करके फलों की दुकान चलाने वाले हमारे एजेंट के जरिए इंडिया भेजा था। ये अच्छा फल ले लो इसको। शुक्रिया। जब हमारे लैब में उनका टेस्ट किया गया तो उसमें प्लूटोनियम 239 की मौजूदगी पाई गई सर। प्लूटोनियम 239 से ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के किसी डबल एजेंट के लीक करने की वजह से कदीर और हमारी बाकी टीम को पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया और बहुत टॉर्चर किया। अभी टॉर्चर करने के बाद भी, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, वहां से ये भाग कर इंडिया वापस आ गए। ग्रेट, यू ऑल आर द रियल हीरोज, लेकिन पब्लिक में आपकी तारीफ भी नहीं की जा सकती, ऐसी सर्विस है ये सब सीक्रेट ऑपरेशंस हैं सर, तो तारीफ भी सीक्रेटली ही मिलती है। इट्स ऑल फॉर द नेशन सर। अभी बताया इन्होंने कि कुड़ई करे में मिलिट्री गोडाउन को उड़ाने वाला ऑपरेशन भी तुमने ही पूरा किया था, लेकिन तुम्हें पता है वो ऑपरेशन क्यों हुआ था? नो सर, ना हमें रीजंस बताए जाते हैं ना हम वो पूछते हैं सर। कुड़ई करई में आपने केमिकल वेपन्स खत्म किए थे। जब पड़ोसी देश के साथ किसी का युद्ध होगा तब उस देश की मिलिट्री की हेल्प करने के लिए कुछ हथियारों के साथ साथ चुपचाप से ये केमिकल वेपन्स भी भेजने के लिए तैयार रखे गए थे। इट सेकंड्स यूएन आर्म्स ट्रीटी,
इट्स एब्सोल्युटली एन इलीगल स्कैम। ये काम जिसने भी किया इंडिया का नाम बदनाम करने के लिए, उसे और कितने दिन छुपा कर रखते हैं। यू डिड एब्सोल्युटली राइट। वहां क्या है वो जाने बिना सिक्योरिटी कर रहे, सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बचाया है। केमिकल वेपन शहर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उसे साइक्लोन ने मोड़ दिया। पिछले सरकार ने जो गलती की उसके प्रायश्चित के तौर पर हमें इस काम को अंजाम देना पड़ा। यू आर अ गुड एक्टर कदीरवन, सब बात जानते हुए अनजान बनते हुए ये नाटक कर रहे हो ना सर। कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा भी करना पड़ता है। लीगली रॉन्ग बट एथिकली राइट, है ना। दुर्योधन ने तीर कमान पकड़ा तो अधर्म, और अगर उसे अर्जुन ने पकड़ा तो वो धर्म कहलाता है। यू हैव मेड माई डे, आई लाइक यू यंग मैन। जोसेफ सर, इन्हें अगर मेरे पास ही रहना हो तो क्या करना होगा? सिंपल सर, मिलिट्री इंटेलिजेंस से रिलीव करवाकर एसपीजी में डिप्यूट करना होगा। हाँ तो करवा दो। ओके सर। Hey buddy, step out. Let me drive the car. Sir, thanks man. You're not supposed to drive here, sir. हाँ मैं जानता हूँ, but I have a date. Please, अरे मुझे stand up protocol, sir. ना यार, come please, on, sir. Don't worry, sir. I'll be fired, sir. एक घंटे में वापस आ जाऊँगा. Sir, please. ना यार, तुम भी ना. Guys, follow the car. Hold on. Anjali. एक मिनट, मैं अभी आई। His face is covered by the flag. Yeah. Excuse me. सर, जो टेररिस बचकर भागा था वो टाउन की तरफ जा रहा है। किसकी बात कर रही हो तुम? वो एक्सप्रेस रिपोर्टर सर। मैंने कंप्लेंट की थी ना। किसे फोन करूं सर? नो, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। टावर ब्रिज के नीचे मैं उसे फॉलो कर रही हूँ, तुरंत फोर्स भिजवाइए प्लीज। ओके, भेजता हूँ। Watch yourself, man. Damn it. हाँ बोल। जोसेफ, एक लीड मिला था। मैं उसे फॉलो कर रहा था, लेकिन एक लड़की ने सब बर्बाद कर। उस लड़की को छोड़ो, उन लोगों को देखो। तुम कहीं भागना नहीं हो, पुलिस आने वाली है, तुम्हें पकड़वाना है। सॉरी। ए, तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? तुमने मेरी गर्दन पकड़ी है, हाथ हटा। ए, मेरे बेडरूम में कैसे आ गए तुम? यही किस्मत है मेरी, शांति से लेटी रहो। क्या कहा? मैं लेटी रहूं? ए, टेररिस्ट! क्या कर रही हो? डोंट टच मी! चाकू मत उठाओ! छोड़ो! डोंट प्ले विद दैट! दूर रहो मुझसे! अरे लग जाएगा! छोड़ो मुझे! दूर रहो मुझसे! हाथ मत लगा! अरे मुझे दो ना! चाकू से चोट लग जाएगी! छोड़ो मुझे! दूर रहो! अरे मैं कुछ नहीं करूंगा। छोड़ो मुझे! क्या कर रही हो तुम? गिर जाओगी! नीचे कांच का टेबल है, अंजलि। मुझे बहुत नींद आ रही है। ए, कहाँ है तू? अंजलि के रूम में। हाँ? दो मिनट रुको, सांस फूल रही है। अरे बाप रे, क्या किया तूने उसके साथ? ए, मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने मेरी हालत खराब की है। बस चार राउंड मारे हैं। क्या, चार राउंड? ए, किससे बात कर रहे हो तुम? चल यार, वो बहुत गुस्सा कर रही है। मतलब पांचवा राउंड भी? पांचवे राउंड के लिए दारू कहाँ है यार? क्या? मैं बाद में फोन करता। पुलिस आ गई क्या? आएगी, बस वेट करो, तुम्हें पकड़ कर उन्हें देना है। हेलो मैडम, टाइम इज 4:30 ऑलरेडी, वी आर लेट मैडम। अगले 10 मिनट पे एयरपोर्ट पहुंचना है। ओह गॉड, ओके मैं रेडी होकर आती हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो।
thanks for the memorable night. No! Hey, हैदराबादी बिरयानी वाली आंटी का मैटर बता ना। हैदराबादी बिरयानी वाली आंटी? हाँ। वो कौन है यार? तुम्हारी वाली थी, तुम ही बताओ। अरे वो सर, तो हाँ? आप किससे बात कर रहे हैं सर? आपको बताओ ये कौन है, क्रिमिनल? अंजलि, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है, अगर ये ना होते तो पापा मर जाते। आप लंदन में किसी बार में गए थे क्या? हैंगओवर अभी उतरा नहीं है। हमें पता चला अंजलि, वाइन में ही इतना हंगामा। ओह माय गॉड, और क्या बताया? सिर्फ बार की बात बताइए, रूम की बात नहीं बोली। बाकी बातें हम फ्लाइट में करेंगे। कम, लेट्स गो। अच्छा, ओके ओके। हेलो, और बताओ, तुम चाहे जो भी हो, कोई बात नहीं। प्लीज एक बात बताओ, रूम में कल रात कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ हुआ नहीं मतलब? आई मीन वो मतलब क्या? थैंक्स फॉर द मेमोरेबल नाइट लिखा था, ऐसा क्या हुआ था हमारे बीच? देखो, मैंने भी तुम्हारे साथ दारू पी थी ना, मैं भी थोड़ा सा ब्लैंक हूं। अगर कुछ हुआ भी होगा तो बाद में पता लगा लेंगे। पर कैसे? मैडम, और सेक्रेटरी चेक दिस साइड। फ्लाइट इज सिक्योर्ड, यू कैन प्रोसीड। ओके सर, सिक्योर्ड फॉर अप्रोच। थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इट्स बीन अ प्लेजर, होप यू हैव अ गुड फ्लाइट। दिस ट्रिप वाज एन एब्सोल्यूट आई ओपनर, फैबुलस। सो आई विल टेक योर लीव्स। ओह व्हाई, यू आर नॉट कमिंग? मैं आपके पीछे ही आ रहा हूं। पीछे? मेरे पास प्राइवेट जेट है। नो, कम विद मी, आई नीड टू स्पीक विद यू, कम ऑन, कम। ओके, इट्स माय प्लेजर। क्या कैसे? तुमने कहा था ना अगर कुछ हुआ होगा तो हम पता लगा लेंगे, पर कैसे? ओह अच्छा वो। हाँ। या लेट्स चेक नाउ। तुम्हारे बॉडी में मार खाने के बाद दर्द होता है, वैसा हो रहा है? हाँ। मुझे भी हो रहा है। लिप्स में एक बर्निंग सेंसेशन है। हाँ है ना। सुबह उठने के बाद रोलर कोस्टर की तरह बॉडी झटके दे रही थी क्या? हाँ दे रही थी। I think something has happened, ऐसा लग रहा है। थोड़े दिन वेट करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। पर कैसे? तुम पेट को टी-शर्ट में छुपा नहीं पाओगी ना? मैं एक संस्कारी लड़की हूँ। संस्कारी? जैसा तुम चाह रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हैप्पी? हम जा रहे थे, तुम भी ना? छी, और नहीं तो क्या? अरे हाँ, तुम्हारा नाम क्या है, रियल नेम? अरे बाप रे, नाम जाने बिना मेरे साथ दारू पी ली, यही तुम्हारे संस्कार हैं क्या? कम ऑन, टेल मी नाउ। कदर, कदर वन। देखो कदर, कल जो हुआ उसे पूरी तरह से भूल जाना, अगर उस बात को लेकर मेरा पीछा किया ना तो गोली मार दूंगी। सारे कंफ्यूजन दूर हो गए? क्या हुआ यार, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं? लड़कियों की नाम ही हाँ होती है। ए कदीर, लो ये भी आ गया। वो हैदराबादी बिरयानी वाली आंटी की कहानी का क्या हुआ, वही तो जानने आया हूँ। ए मेरा बस उसमें गेस्ट रोल था, सर हीरो थे। सर बताइए। दरअसल आंटी के 40 प्लस होंगे। आंटी तो होती ही 40 प्लस है ना। मैं उम्र नहीं बता रहा यार। ओपनिंग तो बड़ी मस्त है, कंटिन्यू कंटिन्यू।